सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। तो चलिए मेरा भाई, इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरा भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, तो हमारा एडिट किया हुआ फ़ोटो आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। तो इसी फ़ोटो को ना मेरे भाई मैं एडिट करने वाला हूँ। ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है, कुछ इस फ़ोटो को ना कुछ इस तरीके का बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए मेरे भाई, बिफोर एंड आफ्टर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरे भाई ना, मैं आप सबको एकदम प्यार से एडिटिंग सिखाऊँगा मेरे भाई, और प्यार से ना एच डी प्लस फेस स्मूथ करना सिखाऊँगा। तो मेरे भाई प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जो कुछ भी बताऊंगा मेरे भाई स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे भाई अपना ओरिजिनल फ़ोटो को क्या करना ले लेना है, और इसको लेने के बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ से स्केच का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ वार्प, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वार्प के ऊपर क्लिक करके इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के अपने हेयर को क्या करना है ना, हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इतना काम होने के बाद यहाँ से इसको डन करना है। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, यहाँ से देखिए दिखा रहा हूँ आप सभी को, यहाँ से मेरे भाई आपको रिटर्च के ऊपर क्लिक करना है। रिटर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा एक स्मूथ, स्मूथ के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, तो ऑटोमेटिक लोडिंग लेगा। उसके बाद मेरे भाई आपका फेस ना एकदम वन क्लिक में ना बहुत ही अच्छा स्मूथ कर देगा। तो यहाँ से देखिए ऑटो थोड़ा बहुत स्मूथ हो चुका है, यहाँ से देखिए बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन करेंगे, उसके बाद यहाँ से भी डन कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके जाना है, और मेरे भाई यहाँ ड्रॉ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई अच्छे तरीके से, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड ड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ सेव इमेज, सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से अपने गैलरी को ओपन करना है। गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट स्नैपशॉट एप्लीकेशन में ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद मेरे भाई सबसे पहले यहाँ टूल्स, तो टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ टून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। एंड यहाँ से देखिए सेचुरेशन, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और यहाँ से एम्बेनियस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स को ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ सेलेक्टिव वाला ऑप्शन होगा, सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मेरे भाई अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। मेरे भाई जहाँ जहाँ आपका ब्लैक होगा ना, वहाँ वहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। देख लीजिए मेरे भाई पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सबको पता ही होगा मेरे भाई, थोड़ा बहुत अगर क्लियरिटी डालना होता है तो यहाँ टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, और उसके बाद इसका हाई टून को थोड़ा सा कम करना होता है और मीडियम टून को थोड़ा सा कम करना होता है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए, पहले और अब में हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। लेकिन मेरे भाई फाइनल अभी हमारा फ़ोटो नहीं बना हुआ है, फाइनल रिजल्ट आप लोग देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, यहाँ से मेरे भाई इस फ़ोटो को ना डायरेक्ट शेयर कर देना है कहाँ पे, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे भाई
इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला ब्रश मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ से आप सभी को क्या करना है, फोलो को 3 रखना है, स्ट्रेंथ को 14, इतना मेरे भाई साइज आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से कट करना है और यहाँ से भी कट करना है। उसके बाद मेरे भाई अपने फेस को अच्छे तरीके से जूम करना है, जूम करने के बाद साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है और उसके बाद मेरे भाई अपने फेस को हल्के हाथों से स्मूथ करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई मैं अपने फेस को कितने अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आप भी ना कुछ हल्के हाथों से ना कुछ इसी तरीके से ना अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। देख लीजिए मेरे भाई हमारा फेस कितना बेहतरीन तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई आराम आराम से हल्के हाथों से ना आप भी कुछ इसी तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई आप लोग फ़ोटो का रिजल्ट देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। वन क्लिक में मेरे भाई मैं आप सबको ना फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई ये हो गया, वो भी HD प्लस फेस स्मूथ देख लीजिए हो रहा है मेरे भाई, एकदम HD में हो रहा है। आप लोग भी ऐसे जूम कर कर के ना अच्छे तरीके से ना स्मूथ कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ इसको अच्छे तरीके से। जितना आप आराम आराम से कीजिएगा मेरे भाई फेस को स्मूथ उतना ही बेस्ट होगा, ठीक है ना। इसको भी अच्छे तरीके से और इसको भी। तो देख लीजिए मेरे भाई मैं आप सबको दिखाने के लिए इतना पे स्मूथ कर दिया हूँ अपने फेस को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी स्मूथ कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं स्मूथ करके, अब हम क्या करते हैं इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। देख लीजिए मेरे भाई हमारा फ़ोटो Lightroom एप्लीकेशन में आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए ना हमारा फ़ोटो आ चुका है जो फेस को स्मूथ किए थे। अब क्या करना है मेरे भाई, मैं अपना एक पर्सनल प्रीसेट दूंगा, इस प्रीसेट को आप सभी को लेना है। और इस प्रीसेट को लेने के बाद मेरे भाई यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। एंड 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ से आपको इसको कॉपी सेटिंग करना है। कॉपी सेटिंग कर देने के बाद मेरे भाई नॉर्मल यहाँ से कुछ नहीं करना है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट कीजिएगा तो मेरे भाई देख लीजिए 1 क्लिक में ना एकदम HD में ना हमारा फेस स्मूथ हो चुका है और बहुत ही अच्छा से वाइट भी हो चुका है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।